हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहली बात आती है, ये बजट होता क्या है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट एक एस्टीमेट बनाती है आने वाले टाइम में कि अंदाजन गवर्नमेंट के कितने खर्चे होंगे, कितनी रिसिप्ट्स रहेंगी। जैसे हम एक आम बंदा एक अपना बजट बनाता है, भाई यहाँ से मेरे पास पैसा आएगा, इतना मैं खर्च करूँगा, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इसके अंदर गवर्नमेंट अपनी एस्टीमेटेड, देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता गवर्नमेंट को क्या होने वाला है, तो एस्टीमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड बनाएगी गवर्नमेंट। और ये रिकॉर्ड बनता है एनुअल बेसिस का रिकॉर्ड गवर्नमेंट बनाती है। तो ये तो होगी बजट की डेफिनेशन कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर कमिंग वन ईयर, एक ईयर का बनता है। अब इससे होगा क्या, यानी अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इसको बनाने से हमें फ़ायदा क्या होगा गवर्नमेंट को, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट क्या पूरा करेगी अपना बजट बनाने से, तो उसे बोलते हैं हम री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। री एलोकेट मतलब रिसोर्सेस को सही दोबारा से एलोकेट करो, यानी सही जगह पे हमारे रिसोर्सेज एलोकेट करो। तो कहाँ पे रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी जगह पे चाहेगी जहाँ देश का भला हो, मॉनेटरी वाइज इकोनॉमिक वाइज भी हम कुछ कमा पाए हमारा देश, और वेलफेयर भी हो देश का। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ताकि वेलफेयर भी हो और सब पैसा भी कमाए, कि जो नेगेटिव एरियाज़ पे हैं, जो नेगेटिव एरियाज़ हैं जैसे डीजल कार्स या सिगरेट्स, ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे। इससे क्या होगा, लोग ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक भी फिर इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करेगी क्योंकि इस पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। और जो पॉजिटिव एरियाज़ हैं वहाँ हम चाहते हैं ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट हों। पॉजिटिव एरियाज में हो गया लाइक इलेक्ट्रिक कार्स या सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हो घर में, तो ऐसे और भी कई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसी एरियाज के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज़ बढ़ा देगी बजट के थ्रू, यानी रिबेट्स दे देगी, बेनिफिट्स दे देगी। आप ये सोलर पैनल लगाओ, उसकी कुछ कॉस्ट गवर्नमेंट कहती है हम बियर कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज़ है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेगेटिव जगह पे कम लगे और पॉजिटिव एरियाज पे ज़्यादा लगे, तो ये है हमारा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता, जैसे सैनिटेशन होगी, साफ सफाई होगी, पार्क हो गया, रोड्स हो गई, तो अब इन एरियाज पे अपनी तरफ से तो कोई बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाएगा, ना हम आम पब्लिक लगाएंगे, तो ऐसी जगहों पे भी बजट के थ्रू गवर्नमेंट फंड्स कुछ एलोकेट करती है जहाँ पे कोई और इन्वेस्ट ना करें। जहाँ प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते वहाँ भी फिर गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी अपने रिसोर्सेज। तो ये हो गया, बजट बनाते वक्त गवर्नमेंट इन बातों का ध्यान रखती है कि नेगेटिव एरियाज़ पे हम टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं बजट के अंदर,
पॉजिटिव में सब्सिडीज़ या बेनिफिट्स दे देते हैं, और जहाँ कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा वहाँ गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और खुद इन्वेस्ट करती है। तो पहला मकसद पूरा हो गया, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जरा इसको क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। सेकंड पॉइंट, तो देखो आपने बचपन से ही छोटी क्लासों में भी बहुत बार पढ़ा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करो, अमीरों पे टैक्सेस लगा लो, वो पैसा गरीबों पे स्पेंड करो ताकि इनइक्वालिटीज़ ना हो। तो ये काम भी जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ध्यान रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है उस वक्त सारा टैक्सेस का हिसाब बनाना पड़ता है, कहाँ खर्चा करना है वो हिसाब बनता है। तो उन हिसाब को बनाते वक्त रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए देश में, इसका गवर्नमेंट प्रॉपर ध्यान रखती है। तो कैसे होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया, हाई टैक्सेस ऑन रिच, एंड लो टैक्सेस और सब्सिडीज, यानी उन्हें कुछ सस्ता दे दिया, फ्री का बेनिफिट दे दिया टू पुअर, जैसे फ्री एजुकेशन दे दी या और कुछ फ्री गैस सिलेंडर दे दिया, इस टाइप की चीज़ें। तो क्योंकि हमारा मकसद है, जो हमारा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि बजट बनाते वक्त ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए। अब बोर्ड में थोड़ा बहुत क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे नोट करके लिख लो, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट, वैसे तो मैंने एग्जांपल पहले ही लिखवा दिया कि टैक्स लगा रही है ऑन डीजल कार्स, और एक बार आ गया टैक्स ऑन सुपर रिच, बहुत अमीर लोग हैं जो, फिर तीसरा आ गया सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर, जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता है उसमें सब्सिडी या फ्री दे रहे हैं टू पुअर, और एक हो गया सब्सिडीज ऑन सोलर पैनल, या चलो कुछ वो डिफरेंट लिख देते हैं, खादी प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कुछ अलग अलग बोर्ड में केसेस आ चुके हैं। तो अब देखो, देखने में लगता है यार टैक्स पॉइंट तो पहले वाले में भी था, रीएलोकेशन वाले में भी, और टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले में भी है। तो फिर से जरा मैं एक बार इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर रीएलोकेशन वर्ड जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पॉजिटिव एरिया या नेगेटिव एरिया ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके अंदर वर्ड रिच या पुअर होना चाहिए। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, वो बात अलग है। रीएलोकेशन में हमने एक वो भी करा था कि जहाँ कोई ना इन्वेस्ट कर रहा हो, पर मेनली यही होते हैं। तो अभी जैसे देखो आप, डीजल कार पे टैक्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव या रिच पुअर, तो ये तो नेगेटिव वाला फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझाएंगे रीएलोकेशन ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन था कि इन लाइनों को देख के बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करो। अच्छा, टैक्स ऑन सुपर रिच, तो देखो रिच वर्ड आ गया, तो यहाँ हमें उस साल रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला ये ऑब्जेक्टिव समझाना था। सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर टू पुअर, पुअर वाला ये वाला हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, और सब्सिडी खादी प्रोडक्ट हो गए, सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार, इस टाइप के जो मतलब देश के लिए बेनिफिशियल है, तो ये पॉजिटिव एरिया हो गया। तो आपको समझाना था रीएलोकेशन। तो ये दो जो पहले ऑब्जेक्टिव थे इनमें आपस में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब हम लिखते हैं अपना अगला थर्ड, स्टेबलाइज करना। देखो एक होता है कोई चीज़ बहुत ऊपर चली गई या बहुत नीचे चली गई, तो ये हो गई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस। तो हमें मान लो ये नॉर्मल लेवल है, तो ना इससे बहुत ऊपर लेके जाना है ना बहुत नीचे। मान लो ये प्राइस का नॉर्मल है, डिमांड का ये नॉर्मल लेवल है, तो ना प्राइस डिमांड बहुत हाई हो ना ये चीज़ें बहुत लो हो, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी बना के रखना। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स भी लेती है ताकि देश में ये जो एक्स्ट्रा प्राइस फ्लक्चुएशन है ये ना हो। तो थ्रू बजट गवर्नमेंट
ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी. या इसे हम बोलते हैं अवॉइड प्राइस फ्लक्चुएशंस या डिमांड की फ्लक्चुएशंस ना हो. जैसे मान लो बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो रहे हैं इन्फ्लेशन, या बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड कर रही है, हाई डिमांड हो रखी है, इतनी ज़्यादा डिमांड कर रही है पब्लिक जिसके चक्कर में प्राइस राइज होते जा रहे हैं. तो अब क्या करें ऐसे में गवर्नमेंट, इस डिमांड को कम करने के लिए, पब्लिक की डिमांड को कम करें तो गवर्नमेंट बजट के अंदर अपने टैक्सेस को बढ़ा सकती है. लोगों पे टैक्स इतना लगा दो कि वो डिमांड ही ना कर पाए, तो फिर ये जो हाई डिमांड है, हाई प्राइस हो गए, ये नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे. गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस. ऐसे ही रिवर्स भी है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है डिफ्लेशन यानी बहुत कम डिमांड हो गई है, तो गवर्नमेंट ये जो हाई टैक्सेस है इनको कम कर सकती है ताकि पब्लिक पे वापस पैसा ज़्यादा आ जाए और वो डिमांड बढ़ा सके. या गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है सब्सिडीज़ ज़्यादा कर सकती है लोगों को, ये फ्री की चीज़ें ले जाओ, फ्री का सामान ले जाओ ताकि, या सस्ते रेटों पे ले जाओ ताकि पब्लिक के पास पैसा कुछ सेव हो जाए और पब्लिक और जगहों पे पैसे को खर्च कर सके. कुछ चीज़ें सस्ती दे दी, सब्सिडीज़ दे दी ताकि पब्लिक की डिमांड बढ़ सके. तो ये हो गया गवर्नमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव, स्टेबलाइज़ करना, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा ना हो. अगला देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट. अब जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गए लाइक रेलवेज, अब क्या होता है ये जो रेलवेज हैं गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं, इनके पास एक मोनोपोली है. मोनोपोली मतलब ये अकेले हैं, तो अगर इनको बजट के थ्रू कंट्रोल ना किया जाए तो एक रिस्क है कि कहीं ये अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठा के पब्लिक से ज़्यादा हाई चार्ज ना कर लें, टिकट के रेट बहुत ज़्यादा हाई ना कर दें. तो इसीलिए बजट जब बनता है तो वो इन एंटरप्राइजेस को भी कंट्रोल करके रखता है, उनके ऊपर नज़र रखता है ताकि ये पब्लिक के साथ कोई गलत काम ना करें, उनको एक्सप्लॉयट ना करें. और हाँ, इनको जब कभी कोई ज़रूरत है पैसे की तो बजाय ये पब्लिक को एक्सप्लॉयट करने के गवर्नमेंट को बता सकते हैं, गवर्नमेंट अपने बजट में इनके लिए फिर अलग से फंड्स एलोकेट कर देगी. तो ये काम भी बजट के अंदर होता है जब बजट बनता है कि इन एंटरप्राइजेस को कैसे हमें संभाल के रखना है, कैसे पब्लिक का भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो. और अगर इनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो फंड्स भी प्रोवाइड करती है उन्हें. तो बजट बनाते वक्त अगला ध्यान ये भी रखा जाता है कि इन एंटरप्राइजेस को कैसे सही तरीके से हमें चलाना है देश में. नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा फिफ्थ, इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ हो. नाम से लग रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में काम बढ़े. तो क्या मतलब है इसका कि सस्टेनेबल इंक्रीज, यानी कि सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यूस रहे वो इंक्रीज इन जीडीपी, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छी प्रोडक्शन हो, देश का जीडीपी अच्छा बढ़े, ये भी हमारी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है
बजट बनाते वक्त कि देश का जीडीपी अच्छे तरीके से बढ़े। अब कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी देश में, ऐसी पॉलिसीज निकालेगी ताकि देश में लोगों की सेविंग्स बढ़ें और देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ें। अच्छे एरियाज़ में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी देश में, तो अपने आप देश की प्रोडक्शन बढ़ेगी और ग्रोथ, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हों। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीज़ें आ गई, आपकी बैंकिंग, एजुकेशन, सब कुछ आ गया इसमें, अगर ये अच्छा होगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा और ऑटोमेटिकली देश की प्रोडक्शन या जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बजट बनाते वक्त जिन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब देखो, गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ तो आती हैं गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया खर्चे। अब जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं उनको भी हम आगे दो टाइप में लेते हैं। एक तो होती हैं गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स, और सेकंड हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या शॉर्टकट हम बना सकते हैं कि मान लो किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए। अब मान लो, इस चैप्टर को छोड़ो, आप नॉर्मल लाइफ में देख लो, किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गई। अब बंदा इंस्टेंट पैसे कहाँ से लाएगा? तो वो या तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो कुछ सामान बेचेगा, घर में एसेट बेचेगा, एसेट बेचा, सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ अभी, ऑफिशियल अभी इसके बाद लिख दूंगा, या वो क्या करेगा, कहीं से लोन लेगा, बैंक से, यार दोस्त से, कहीं से। तो दो ही तरीके हैं। तो इन्हीं दोनों तरीकों को अगर गवर्नमेंट यूज़ करे, कहीं इमरजेंसी है, पैसे चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ एसेट अपना बेच दिया, कम कर दिया, लाइबिलिटी यानी लोन ले लिए, तो इसे बोलेंगे गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट। और जितनी रिमेनिंग है, जो बच गई गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, वो आएंगी रेवेन्यू कैटेगरी में। तो इसको थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एसेट बेचना, इसे बोलेंगे हम एसेट्स कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट्स। लोन लेना, इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन होगी, दीज आर द रिसिप्ट्स विच कॉज आइदर डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? तो ऐसी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जहां ना तो कोई एसेट कम हुआ, ना तो गवर्नमेंट ने एसेट बेचा, ना कोई लायबिलिटीज बढ़ी, गवर्नमेंट ने लोन भी नहीं लिया। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका टैक्स, हम हाईवे से निकले, गवर्नमेंट ने हमसे टोल टैक्स लिया। अब टोल टैक्स लिया तो क्या गवर्नमेंट ने हमें अपना एसेट बेच दिया, कोई रोड बेच दी हमें? नहीं बेची। क्या गवर्नमेंट ने मुझसे कोई लोन लिया है कि मुझे वापस करेगी अगले साल? नहीं लेगी। तो वो टोल टैक्स आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे ही गवर्नमेंट ने रेलवे की टिकट बेची, वो भी ना तो एसेट बेचा ना लोन लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट। पर अगर गवर्नमेंट ने होता अमेरिका से लोन लिया तो बोलते कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए प्राइवेट लोगों को, कुछ हिस्सा बेच दिया कंपनी का, तो कंपनी बेच दी, एसेट्स कम हो गए, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसकी डेफिनेशन नहीं होती। अगर कोई रिसिप्ट ऐसी है जिससे ना ये हुआ ना ये हुआ, तो समझ जाओ वो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये थी हमारी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट को, जो मैंने सिंपल हिंदी बोली थी। अगर इंस्टेंट पैसा चाहिए हो तो जो दो ऑप्शन है,
अब हम इस साइड चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे यहाँ है, पहला हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे वहाँ कैपिटल रिसीव्ड था, इंस्टेंट बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए था, तो दो ऑप्शन वो पड़े थे। ऐसे ही यहाँ पे भी आप मन में मान सकते हो, इंस्टेंट करोड़ों रुपए खर्च हो गए गवर्नमेंट के। अब ये कहाँ होगा? तो फर्स्ट ये खर्च हो सकते हैं, उसी से कनेक्ट कर लो, एसेट तब बेचा था, अगर एसेट बनाना पड़ जाए, एसेट बनाया, कोई कंपनी बनाई, हॉस्पिटल बनाया, डैम बनाया, इन सब चीज़ों में करोड़ों रुपए लग जाएंगे एक साथ ही। इंक्रीज इन एसेट्स, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, डैम बनाया, ये सब, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, ये अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, ये इस साइड में मैं समझा रहा हूँ। दूसरा, वो लायबिलिटी से जोड़ लो, पिछली बार लोन लिए थे तो करोड़ों आ गए थे, अब लोन लौटाना पड़े तो करोड़ों चले भी जाएंगे। लोन्स रीपेड, ये तो थोड़ा सिंपल वर्ड हो गया, पेपर में ऑफिशियल लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, ऐसे खर्चे, पहले तो अपने मन में रख लो, वो करोड़ों निकल गए जेब से, या तो हमने लोन उतारे होंगे या कोई नया एसेट बनाया होगा, ये तो सिंपल हिंदी होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुई? दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच आइदर लीड टू इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, फिर वही जवाब है, जो रिमेनिंग खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ऐसे खर्चे जहाँ ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट बना ना कोई कर्जा उतरा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रोड पे साफ सफाई करी, अब इस साफ सफाई करने पे खर्चा तो हुआ, पर ना तो कोई नया एसेट बना गवर्नमेंट का, ना देश के कर्जे उतरे, तो ये साफ सफाई, रिपेयर, मेंटेनेंस सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टाफ को सैलरी दी गवर्नमेंट ने अपनी, वो भी यही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना कोई देश के एसेट बने ना देश के कर्जे उतरे। पर अगर मैं कहूँ इंडिया ने अमेरिका का लोन लौटा दिया, तो ये लोन लौटाना ये हो गया डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया इनका, अगली क्लास में हम इनके थोड़े आइडेंटिफिकेशन के केसेस करेंगे। पर ये जो मैंने आज सारा बोला है, ये अपना रजिस्टर में बार बार मैं कहता हूँ, सारे पॉइंट्स लिखो, हर चीज़ में, कई बार यहाँ नहीं भी लिख पाता, मैं ओरल बोल रहा हूँ, पर आप लोग पॉज करके वीडियो वो चीज़ ज़रूर लिखो, एक नए रजिस्टर में प्रॉपर अपना सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स का नोट्स यहीं से बना लो। तो आज ये सारे केसेस एक बार, जो अभी मैंने डिटेल में तो अभी नहीं गया मैं इन केसेस के, ऊपर ऊपर से मैंने डेफिनेशंस और बताया है, अगली क्लास में हम इसके थोड़े हाई ऑर्डर क्वेश्चन और आइडेंटिफिकेशन वाले केसेस करेंगे, कि जहाँ वो पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है। तो इसको करो, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।